बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10th क्लास इस्लामियत इख्तियारी का गैस पेपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत मसला होता है याद करने का, लेकिन इस गैस पेपर को अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही गैस पेपर आपका सारा पेपर में आएगा। तो प्लीज आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत हेल्प होगी। तो उससे पहले तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ जो नोटिफिकेशन बेल लगी हुई है उसको भी दबा लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख के अपना एडवांटेज हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर आपको 10th क्लास की बाकी गैस पेपर जो है वो भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यौमुल हिसाब के आखिरी मराहल क्या है? अहम तरीन मुख्तर सवालत है। उसके बाद नरम गुंतकारी के हुक्म से क्या मुराद है? उसके बाद क्यामत के वाकयात बयान करें। उसके बाद रोजे क्यामत को यौमुल हिसाब निस्बत क्यों कहा गया है? क्रामर कातबीन का मफहूम बयान करें। उसके बाद मुनाफिक की तारीफ करें। उसके बाद शिर्क क्या है इफाई अहद पर नोट लिखें। उसके बाद सबर के मौके तहरीर करें, तर्जमा करें वल्लाहु फी सलीम फस्तबुल खैरात। देन उसके बाद तर्जमा करें जज़ाउत गीबत क्या है? अल्लाह ताला ने मोमिनों से कौन सी चीजें खरीदी हैं? माँ बाप के साथ उसने सलूक के बारे में हुक्म क्या है? उसके बाद है सोलवा रिश्तेदारों के हकूक लिखें। कत्ल औलाद की ममानत से क्या मुराद है? फासक खबर पर क्या करना चाहिए? इंसान खुद अपने आप को कैसे जलील करता है? उसके बाद अहम तरीन तर्जुमा तशरीह वाली है सूरतुल अनफतार है आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक। उसके बाद सूरतुल बकरा है आप लोगों की आयत नंबर 1, 2, 4, 8, 13, 261 से लेकर 263 तक। उसके बाद सूरतुल इनसा आयत नंबर है 93 और 195। उसके बाद सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 23, 26, 32, 34 और 37। उसके बाद सूरतुल जहरात आयत नंबर 10। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अहम तरीन मुख्तसर सवालात है। अल हदीस नबविया से गीबत से क्या मुराद है? सीबत से क्या मुराद है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कैसे शफकत फरमाते थे? देन उसके बाद है मिनल अमशक मुश्कर अनास तुम का तर्जमा करें। शुक्रिया अदा करने के 2 फवायद लिखें। देन उसके बाद है अमनो बात शुबान जार के मानी लिखें। उसके बाद है हमसाया के 2 कानून लिखें। हदीस के रूह से बेहतरीन इंसान कौन है? देन उसके बाद है सलाम करने की फजीलत क्या है? कत्ल उम्द की क्या सजा है? उसके बाद है सईदमन वास का तर्जमा लिखें। साफते मंद की तारीफ करें। देन उसके बाद तकबर का मफहूम लिखें। तकबर की बुनियाद कब और किस ने रखी? देन उसके बाद हसद की मजम्मत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? तर्जमा लिखें। उसके बाद है हसद का मफहूम लिखें। रहमदिली के बारे में हदीस तर्जमा लिखें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपके साथ इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला इसी में इसका आपका सारा पेपर आएगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो नोटिफिकेशन बेल लगी हुई है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को देख के अपना एडवांटेज हासिल कर सकें। तो अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर ऑफ यू, लव यू टू ऑल, बाय बाय।